अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आपका नाम? अल्लाह दिनो भाई चांडियो। अल्लाह दिनो चांडियो जी। ये बकरियां आपकी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कौन सी नस्ल की बकरियां? सही है, पटेरी है। पटेरी नस्ल। पटेरी बड्डी बोलते हैं इसको। पटेरी बड्डी। ये कितने टाइम से आपने रखी हुई है? इसको 30 साल हो गए मेरे पास। 30 साल हो गए जी। तो ये आपका बचपन से शौक इन्हीं बकरियों पे है या कोई और बकरियां रखी थी उसके बाद चेंज किया? पहले से ही है, शुरू से यही बकरियां रखी हैं। छोटा था तकरीबन 10-12 साल का। 10-12 साल से आप थे और आपने यही बकरियां रखी हैं, माशाल्लाह 30 साल हो गए आपको। तो ये नस्ल कहाँ की है, थोड़ा इस नस्ल के बारे में हमें बताइए। ये कामोरी बकरी में क्रॉस है। कामोरी बकरी से क्रॉस हुई है। बड्डी बोलते हैं इसको। बड्डी नस्ल बोलते हैं जी। तो इसकी क्या खासियत है, दूध कितना देती है बकरी, वजन कितना होता है? खूबसूरती है। खूबसूरती है, खूबसूरती के जी जी। इसका कलर साफ हो, खूबसूरती जितनी भी है, दूध तो किलो भी देती है, आधा किलो भी देती है। अच्छा। किलो भी देती है, पर दूध के इसकी रकम नहीं है। दूध से इसकी रकम नहीं है, खूबसूरती में इसकी है। तो आप हमें कुछ बताएंगे इस किस तरह काउंट होते हैं पॉइंट्स खूबसूरती में, कोई बकरे पे या बकरी? कलर पीछे सफेद तो है सारी, बिल्कुल वाइट होनी चाहिए। ये लाल कलर जैसा इसका, और गर्दन लाल होनी चाहिए। लाल होना चाहिए। अच्छा। कान इसके बड़े हुए? कान बड़े होने चाहिए, 22-24 इंच। 22 से 24 इंच होने चाहिए। और सींगों की पोजीशन? हाँ, सींग सीधे हो, जैसे ये बकरी ये देख रहा है, ऐसे इसके बकरे के जैसे बकरे के सींग है, ऐसे सींग होने चाहिए। ये बकरी खड़ी है। अच्छा। ये बकरी खड़ी है ऐसी। अच्छा। कटाई वाले सींग। आपके पास अभी माशाल्लाह कितनी बकरियां हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अभी 12-13 है। 12-13 बकरियां हैं। तो इनके जो किड्स वगैरह होते हैं, बच्चे वगैरह, वो आप सेल भी करते हैं या अपने शौक में ही रखते हैं? नहीं, ये सेल भी कोई करते हूँ, पर है शौक में। अच्छा, अपने शौक में रखते हैं। अच्छा। तो इनकी मार्केट क्या है, इन बकरियों की या इनके बच्चों की मार्केट क्या है अभी? जो अभी इसकी मार्केट तकरीबन 10-12 लाख। 10 से 12 लाख है इसकी मार्केट? 5, 6, 4, 3 एक बकरी की जी। हाँ। अच्छा। और एक बच्चे की, जैसे अगर कोई अच्छा बच्चा होता है आपके पास? अच्छा बच्चा 3-4 लाख, 5 लाख तक जाता है। 3 से 5 लाख तक का जाता है बच्चा, 3 महीने का बच्चा? 3-4 महीने वाला। अच्छा। तो इसमें जो कंपटीशन वगैरह होते हैं या जो मुकाबले होते हैं, शोज़ वगैरह होते हैं, उसमें किस बेसिस पे आपको ये कंपटीशन होते हैं कि सींग के बेसिस होते हैं, कान वगैरह देखे जाते हैं या कलर का कंपटीशन? कलर, कान, सींग सारा भी देखा जाता है, सारी चीज़ें देखी जाती हैं उसमें। तो आप अपनी फॉल्ट नहीं होना चाहिए जी। आप कंपटीशन वगैरह में लेके जाते हैं अपनी गोट्स? जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह लेके जाते हैं। अच्छा, लेके गए। कौन कौन से कॉम्पिटिशन में आप लेके गए अपनी गोट्स? 4-5 जगह, 6 जगह में लेके। अच्छा। तो कोई कंपटीशन में आपकी गोट्स ने कोई पोजीशन वगैरह ले जाते हैं? जो ये मेले लगते हैं बड़े बड़े दरगाहों में, मेले जी बड़े जी बड़े जभी लगते हैं जी जी, उसमें ले जाते हैं। ले जाते हैं आप लोग? अच्छा। और अगर बारिश वगैरह होती है या कोई तूफान आता है, इस सूरत हाल में आप लोग क्या इनका इंतजाम बनाना पड़ता है? उसमें अच्छी मिट्टी वारी डालनी पड़ती है। अच्छा, किस किस्म की मिट्टी होती है? मिट्टी ऐसे जैसी थर में है ना, थर वाली मिट्टी, वारी जिसको बोलते हैं। वारी बोलते हैं जी जी। बाड़े में वो ही फेंकनी पड़ती है। अच्छा, वो फेंकते हैं जी। तो वो फेंक के फिर उसमें बकरियां आप लोग रख लेते हैं? उसमें रख लेते। तो बारिश वगैरह में वो रह लेती हैं वहाँ पर? अच्छा। खुराक में आप लोग इसको क्या क्या खिलाते हैं बकरियों? भूसी देते हैं, दाना देते हैं, गंदम। अच्छा जी। घास, जंतर,
बब्बर बबर भी देते हैं। अच्छा, बब्बर का पलड़ा होता है 12 महीने अच्छा लेके रखते हैं, 12 महीने वो आप लोग देते रहते हैं इनको। देते रहते हैं। अच्छा, और अगर ये बीमार वगैरह होती हैं तो इनकी आप लोग ट्रीटमेंट कैसे करते हैं? हाँ, बस डॉक्टर है हमारे पास, उसको वो आता है, उसको फ़ोन करते हैं फिर। अच्छा, डॉक्टर वगैरह से आप लोग ट्रीटमेंट करवाएं? एक को भी थोड़ा होता है फिर उसको फ़ोन करते हैं, अच्छे अच्छे इंजेक्शन लगा। अच्छा, तो उससे सही हो जाती है आप लोगों को? अल्हम्दुलिल्लाह सही हो जाते हैं। अपनी मदद आपके कुछ तहत करना पड़ता है? देसी तरीके या देसी टोटके वगैरह इस्तेमाल करते हैं इन पे? नहीं, देसी इसको घी भी देते हैं, पिलाते हूँ, ऐसे तेलों का तेल होता है वो देते हूँ। जी जी, आज जो चीज़ें हैं देसी होती देसी देते देते हैं। जी हाँ। अच्छा, अभी तो डॉक्टर ही हो गई है, पहले तो देसी भी होता था पर अभी डॉक्टर ही हो गया। अच्छा, तो इसमें आपको फार्म वगैरह में गवर्नमेंट कोई सपोर्ट करती है जैसे दाने नहीं, में नहीं, कुछ नहीं करती या फीड में या इनकी जैसे दूसरे जगह मैंने सुना है तो बहुत करती है, थर में भी करती है, टुके लगाती है हर बीमारी के, इधर सिंध वाले जो माल है कोई भी नहीं करता इसकी। अच्छा, आपको कोई गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती है? देखते भी नहीं, ऑर्गेनाइजेशन बीमारी वाले से टीके भी आते हैं। जी जी, इधर नुकसान हो जाता है क्या हो जाता है या लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट का कोई बंदा आया हो आपके नहीं, पास नहीं, उसकी नहीं। कोई इस पे रिसर्च वगैरह की हो या आपकी गोट्स में उन्होंने कोई? इधर सर कोई भी नहीं आया है, कोई भी नहीं आया। वो डॉक्टर जो थर में बोते हैं उन्होंने मैंने बोला पिता दो तीन मतलब मैंने बोला यार ये थर वाले माल को देखते हो बोला इधर क्या है सिंध वाला माल, थर वाला माल 5-10 हज़ार वाले कितने टुके लगाते हो, हमारा ये 10-12 लाख 15 लाख वाला माल है इसको क्यों नहीं देते? और ये एक नायाब नसल है जो आपने प्रिजर्व करके रखी हुई है जी, जी। जो कि आजकल आसानी से देखने को नहीं मिलती, बस कुछ कुछ लोगों के पास ये मखसूस महदूद हो गई है जी। तो हम यही उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट इस पे कोई इकदाम ले। और हमारे पास भैंसें भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छे अच्छे भैंसें हैं। अच्छा, और इसके अलावा क्या क्या चीज़ें रखी हैं आपने? बस ये घोड़े भी है, अच्छा भी है अल्हम्दुलिल्लाह, शौक तो है पर गवर्नमेंट वाला जो जी जी नहीं है, जो टिक्के लगा जाए टाइम क्या बीमारी का टाइम है, अभी ये टुका लगेगा अभी, ये आज भी तुम देखे कितने भी जानवर बीमार है। जी जी बिल्कुल, तुम्हारे सामने ये डॉक्टर मंगवाया। जी जी, हमको तो नहीं पता है क्या इंजेक्शन लगा है क्या नहीं लगा, गवर्नमेंट वाले को है जी सहूलत हो है ना जी, टिक्के लगा ले भले हमारे से पैसे ले जी जी, फिर भी मैं मुतमैन हूँ। अच्छा, और इसमें आप लोग जो नए शौकीन हैं उनको क्या कहना चाहेंगे जो इस नया पटेरी बकरी का शौक करना चाहते हैं? काफ़ी लोग कामोरी से ज़्यादा पटेरी को पसंद करते हैं तो वो पटेरी का शौक करना चाहते हैं, तो उनको आप क्या सलाह या मशवरा देंगे जो पटेरी बकरी का शौक करना चाहते हैं या जो इस शौक को स्टार्ट करना चाहते हैं उनको आप क्या सलाह देंगे या तजवीज़ देंगे? उसको मशवरा ये देते हो उसको पता नहीं पड़ेगा तो पटेरी कौन है क्या है उसको पहचानेगा नहीं। जी जी, कोई बंदा ऐसा अच्छा बंदा हो जी उसी से वो मिल ले जो बोले तो भाई मेरे को दिलवा जी, फिर वो ला के देगा वो अच्छा होगा। अच्छा जी हाँ, बाकी ऐसे पता है इसमें नहीं पड़ता है, दूसरे को होगी वो बोलेगा पटेरी ऐसा। अच्छा, इसमें तो भी जैसे पॉइंट्स वगैरह देखने पड़ते हैं, सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो बंदा जो रख के बैठा है उसको पता है, दूसरे को पता है, इसमें नहीं पड़ता है। अच्छा, क्योंकि आजकल फ्रॉड्स भी बहुत हो रहे हैं, लोग दिखाते कुछ हैं और दे किसी और को कुछ और देते हैं, दो नंबर चीज़ देते हैं, जैसे हर चीज़ में दो नंबर आ गई, बिल्कुल एक नंबर चीज़ मिलना बहुत मुश्किल हो गया। अच्छा, तो आप क्या उनको मशवरा देंगे जो शौक करना चाहते हैं, इस बकरियों का शौक करें, इस फील्ड में आएँ या नहीं? ये शौक करें अल्हम्दुलिल्लाह, शौक अच्छा है बिल्कुल, इसमें नुकसान नहीं है, नफ़ा भी बहुत है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, नफ़ा भी है इसमें माशाल्लाह। जी हाँ, इसकी खिदमत करेगा, रखेगा, पालेगा तो ये अच्छा है शौक है। अच्छा, तो उसको मशवरा देते हैं रखना चाहिए ये माल। अच्छा, बकरे ये जो होते हैं इसमें आप लोग ईद के लिए भी तैयार करते हैं या नहीं? ये जो बकरियों के लिए ले जाते हैं छोटे छोटे भी पैसे ईद वाले से, ये पैसे बकरियों वाले लेने वाले ज़्यादा देते हैं। अच्छा, जैसे अमूमन अगर ईद का बकरा कोई बच्चा 15 से 20 हज़ार तक का होता है, 2-1.5 लाख में जाता है, इसका छोटा बच्चा 4-5 लाख में चला जाता है। अच्छा, तो ये आपसे शौकीन ही ले जाते हैं? अच्छा, तो ईद वाले हिसाब में आप रखते हैं 2-3 महीने का बच्चा ही आप सेल कर देते हैं शौकीन कर देते हो? अच्छा, और ये बच्चे कितने देती है बकरी पटेरी? बकरी 3 भी देती है, कोई 4 भी देती है, 2 देती है किस्मत। अच्छा, कोई एक भी देती है, कभी कभी एक देती है ना तो 2-3 देती है। अच्छा, वरना 2 से 3 बच्चे देती है। अच्छा, तो आप कोई मैसेज देना चाहेंगे पूरी दुनिया में से जितने भी लोग व्यूअर्स आपको देख रहे हैं और वो इस नस्ल का शौक करना चाहेंगे पटेरी, क्योंकि काफ़ी लोग हमारे इंडिया से देख रहे हैं भाई और पाकिस्तान से भी बहुत देख रहे हैं, जर्मनी, USA, UK, फ्रांस, इन ममालिक से भी काफ़ी लोग आपकी वीडियो देख रहे हैं, तो उनको कोई आप ऐसा जनरल मैसेज देना चाहेंगे कि बकरियों के बारे में या इस नस्ल की कोई खासियत बताना चाहेंगे या कोई ऐसा मैसेज देना चाहें जिससे वो उनको कुछ फ़ायदा हो या अवेयरनेस मिले उनको? बस इसका पालने का बंदोबस्त पहले करें, इसको खाने खिलाने का तरीका उसको होए, फिर जो जानने वाला हो इसको पहचाने, उसी से उसको लेके बकरी ले। अच्छा, 4-5 दाने रखे फिर उसका तजर्बा हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा,
जैसे फर्स्ट अगर स्टार्ट करना है तो पहले उनकी जगह वगैरह हाँ जगह बनाएं और उसकी बनाए खुराक वगैरह का हाँ इंतजाम लाइट वाले करें। पंखे लगा दे तो अच्छी बात है। अच्छा जितनी भी इसके माल की सफाई रखेगा उतना ही है, अच्छा सफाई ज़रूरी है सफाई बिल्कुल इस ज़रूरी है, माल में। लाजमी है इसकी, फिर बीमारी का हर का इसको उसको पहचान हो कि अच्छा क्या है क्या नहीं है, उसका नुकसान नहीं हो। अच्छा एक पाँच छः लाख का आप दाना क्या मशवरा देंगे, अच्छी चीज़ से स्टार्ट ले या बिल्कुल नॉर्मल चीज़ से स्टार्ट ले नहीं, ताकि उसको नॉर्मल से नहीं काम होगा, अच्छी चीज़ से अच्छी स्टार्ट ले, चीज़ है। अच्छी नस्ल भले रखे। उसकी जितना भी पोजीशन है उसकी, दो दाने ले, तीन दे, चार ले, पर अच्छे ले, अच्छे ले अच्छे ले, फिर ताकि आगे भी उसकी नस्ल इंशाल्लाह उससे शौक बढ़ बढ़। जाएगी। अच्छा उससे खुद ही बढ़ जाएगा। हाँ अच्छे नहीं लेगा तो फिर वो नहीं होगा उसका काम, कोई किसी काम का नहीं होगा, खर्चा भी इसका बहुत है। अच्छा चलें, बहुत बहुत खुशी हुई और जी आपकी बकरियाँ माशाल्लाह जी जी बहुत अच्छी हैं और उम्मीद हाँ करेंगे ये इसी तरह। नसल हमारे से पहले भी लेके जाते हैं, कानों की माप करने वाले, ईरान जी, वाला भी माल ईरान वाले भी ले बंदे गए भी आपसे, आते हैं, सऊदी वाले भी आते सऊदी हैं। वाले भी आते हैं। हाँ अच्छा बस उम्मीद करेंगे इसी तरह आपकी बकरियाँ आबाद रहें और बढ़ती रहें इंशाल्लाह माशाल्लाह, इंशाल्लाह और जो इंशाल्लाह नए लोग शौक करना चाहते जी हैं तो जी बिल्कुल जो भी बाकी आपसे। गवर्नमेंट वालों को ये अपील है तो थोड़ा ये करे, जो ये सिंध वाला माल है, जी, मैं मेरे माल के लिए नहीं बोलता हूँ, सारा जो माल है ऑल ओवर द आप बोल रहे हैं बेसिक हाँ जनरल उसको ये टिक्के के, लगाए तो क्या क्या बीमारी का टाइम है, अच्छा बंदे किसी को भी पता नहीं पड़ता अवेयरनेस क्या ताकि है, हाँ क्रिएट नुकसान हो। हो जाता है। जी, सर बड़ी खुशी हुई जी आपके, प्यारे जी बड़ी खुशी हुई आपका बात करके और आपकी गोट्स देख के, और हमारी यही दुआ होगी कि आपकी गोट्स बढ़ती रहें इंशाल्लाह और आप भी कामयाब हो और आपकी गोट्स भी बढ़ आपका जाए। भी शुक्रिया, मेहरबानी बहुत बहुत शुक्रिया। जो आप आए।